अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल इडली चिली, और ये बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमने इडली इस्तेमाल की है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है, जो हमने 8 अदद ली हैं, और उसे हमने इस तरह से लंबाई में काट लिया है और इसके थिक पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। अगर आप इसके पतले पीसेस काटेंगी तो ये पकाते वक्त टूट जाएंगे, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको थोड़े से थिक पीसेस काटने हैं इसके। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम 2 अंडे की सफ़ेदी लेंगे, 4 टेबल स्पून मैदा लेंगे, 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वेनेगर, 1 टेबल स्पून क्रश गार्लिक और नमक हसबे ज़ायका। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें हम 2 अंडे की सफ़ेदी शामिल कर देंगे, कॉर्नफ्लोर, मैदा, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिली सॉस, वाइट विनीगर, डार्क सोया सॉस, और क्रश्ड गार्लिक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गांठें ना रहें। अभी हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया है, इसे बिल्कुल पतला नहीं करना है। अब इसे आप साइड में रखें। अब हम इसमें इडली ऐड कर देंगे। जब आप इसमें इडली ऐड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये टूटे ना, यानी मिक्स करते वक्त इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिलाएं आप। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे आप आधे घंटे के लिए आप साइड में रख दें ताकि जो इसका लिक्विड है, जो इडली है, वो ऑब्ज़र्व कर ले अच्छी तरह से। आधे घंटे बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है। जब ये इस तरह से यानी लाइट ब्राउन नज़र आने लगे तो इसे आप निकाल के अलग रख दीजिए। इसे हमें दोबारा फ्राई करना होगा जब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे तब। इसकी ग्रेवी के लिए हम लेंगे 4 ग्रीन कैप्सिकम, जिसे हमने मोटे मोटे और लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और 4 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे भी हमने इस तरह से लंबाई में मोटा मोटा काट लिया है। अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून क्रश जिंजर और 2 टेबल स्पून क्रश गार्लिक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर, और 8 हम लेंगे हरी मिर्चें। ये हमने फीकी वाली हरी मिर्चें ली हैं, अगर तेज़ हो तो आप कम कर दें। इसे हमने आधे टुकड़ों में काट लिया है। 2 टेबल स्पून हम लेंगे टमाटो चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून लेंगे रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनीगर, 1 कप कुकिंग ऑयल, नमक हसबे ज़ायका। और जो हमने इसके पहले रेसिपी अपलोड की थी ढाबे की सीक्रेट रेड चिली पेस्ट की, उसे हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे, और हम कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 चम्मच, और 1/2 कप पानी में उसे हम घोल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत होगी। और अजीनोमोटो लेंगे हम 1 टीस्पून। इस डिश को बनाने से पहले आप सारी तैयारी कर लें, यानी जैसे सॉसेस वगैरह आप इसमें ऐड करने वाले हैं उसे एक कटोरी में निकाल दें, और जो मसाला है वो लाइन बाय लाइन रख लें साइड में ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। और मसाला भी आपको स्लो आंच पे भूनना है, क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ जल जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे। इसमें हम तेल ऐड कर दें और उसे गर्म कर लें अच्छे से, और स्लो कर दें आंच बिल्कुल। और जब ये गर्म हो जाए ऑयल, तब इसमें हम क्रश जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे 30 सेकंड तक भून लेंगे हम स्लो आंच पे। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे, और हरी मिर्चें कटी हुई। मैं आपको वापस याद दिला दूं कि हरी मिर्चें बहुत फीकी है जो हमने इस्तेमाल की है। अगर आप जो हरी मिर्ची ले रही है वो तेज़ है तो आप कम डालिए इसमें। अब हम इसे 30 सेकंड तक तेज़ आंच पे भून रहे हैं। 30 सेकंड्स बाद आप इसमें और मसाले ऐड करेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस,
और टमाटो चिली सॉस, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने आंच वापस स्लो कर दी है, अब हम इसमें वाइट वेनेगर ऐड कर रहे हैं। इसमें हम रेड चिली पेस्ट ऐड करेंगे, जिसकी रेसिपी मैंने इसके पहले अपलोड की थी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आंच अभी भी स्लो रखी है हमने। अब हम इसमें अजीनोमोटो ऐड करेंगे, और जैसे हमने ग्रेवी स्टार्ट की थी बनाने के लिए, तब हमने साइड में कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था तेल को। अब इसमें हम इसे फ्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं इडली को, और इधर हमारी ग्रेवी भून रही है और इधर ये फ्राई हो रहे हैं। अब हमें लगता है कि फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड कर देंगे इस ग्रेवी में। इसे हम दोबारा इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि जो इडली है वो क्रिस्पी रहे खाने में। आप इसे इस तरह से जब ये ब्राउन हो जाए तब इसे आप इसमें ऐड कर दें। ज़्यादा आपको एकदम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है इडली को, वरना इसका टेस्ट चला जाएगा। अब इसकी जो आँच है उसे तेज़ कर लें और इसे अच्छी तरह से भून लें, और इसमें नमक टेस्ट करने के बाद डालें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें काफ़ी सॉसेस ऐड किए हैं। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं, और इसे तेज़ आँच पे इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप चम्मच से इसे ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये इडली टूट सकती है इस वक्त। तो अब ये रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल और विलेज की सीक्रेट रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जायका कुक विद नीलोफर सर्वर। अस्सलाम वालेकुम।